तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ, व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट आया और एक नया फीचर को वहां पर रोल आउट कर दिया गया। नया फीचर तो नहीं बोल सकते, एक प्राइवेसी फीचर वहां पर उन्होंने रोल आउट कर दिया गया है। ये जो नया फीचर दिया है प्राइवेसी से रिलेटेड है दोस्तों। ये नया फीचर क्या है जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोन और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बताया, ये प्राइवेसी फीचर है और ये दोनों के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड और iOS वर्जन के लिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप बीटा यूजर हैं या नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूजर भी हैं तो भी आपको ये अपडेट और ये फीचर मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने जाना है अपने प्ले स्टोर में या फिर आप अपने आई स्टोर में जाना है। आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहां जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर आप किसी भी चैट में जाएंगे तो मैं बता दूं इसका फीचर का यूज कैसा है। अगर आप यहां पर आप देखेंगे, पहले अगर आप किसी चैट में जाते हैं जिसमें आपने कोई मीडिया विजिबिलिटी को ऑन करके रखा हुआ है, आप देखेंगे मीडिया विजिबिलिटी मतलब कि अगर आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे वो आपके मीडिया में वहां पर दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका ऑन है। पहले क्या होता था, अगर आप इस अपनी मैसेज को भी ऑन करके रखते थे तो भी आप यहां पर इसको चेंजेस कर सकते थे मीडिया विजिबिलिटी में। बट अब यहां पर नया अपडेट आया प्राइवेसी रिलेटेड। अब यहां पर क्या हो गया है, जब भी अगर आप डिसअपीयरिंग मैसेज वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे, डिसअपीयरिंग मैसेज मतलब कि जिस टाइम को आप सेट करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो अब इसको आप जब भी ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप विजिबिलिटी को ऑन नहीं कर सकते, मतलब कि वो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा। ये दोनों में ही काम करेगा, iOS और एंड्रॉइड में, और ये सबके लिए रोल आउट हो चुका है। मैं आपको iOS का स्क्रीनशॉट भी बगल में लिखा के दिखाऊंगा जिसमें कि सेव टू कैमरा रोल को जैसे आप ऑन करेंगे तो वहां पर भी आपको सेम यही पॉपअप मिलने वाला है। यहां पर क्या लिखा गया है, मीडिया विजिबिलिटी इज ऑफ फॉर डिसअपीयरिंग मैसेज इन दिस चैट आर सेट टू बी डिसअपीयर टू कीप टू हेल्प कीप मीडिया प्राइवेट, मतलब कि मीडिया को प्राइवेट करने के हिसाब से हमने इसको यहां से हटा दिया है। इट्स नॉट ऑटो सेव टू योर फोन गैलरी, ये आपकी फोन गैलरी में सेव नहीं होने वाली। टू सेव मीडिया फ्रॉम दिस सेट टर्न ऑफ डिसअपीयरिंग, मतलब कि अगर आप कोई मीडिया को यहां पर अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आपको यहां पर डिसअपीयरिंग मैसेज को पहले ऑफ करना होगा, उसके बाद ही वो आपकी गैलरी में जाके सेव होगी। मतलब कि बहुत ही शानदार फीचर कर दिया गया है प्राइवेसी रिलेटेड। अगर आप किसी कोई फोटो भेजते हैं डिसअपीयरिंग मैसेज के साथ, होगा क्या, वो उसकी गैलरी में सेव नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक वहां पर डिलीट हो जाएगी जो भी आपने टाइम स्पेसिफाइड सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, यही नया अपडेट था, यही वहां पर दिया गया था कि यहाँ पर जो मीडिया विजिबिलिटी है उसको यहाँ पर कुछ चेंजेस करें, मतलब कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन वहां पर दिखने वाला है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।